हेलो फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर वन का पार्ट बी है, तो कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर वन का पार्ट बी, अगर लेक्चर वन का पार्ट है आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देखिए, फिर यहाँ पे आइए लेक्चर वन का पार्ट बी देखने के लिए, ठीक है। तो लास्ट मैंने कवर कर दिया था फ्रांसिस्को रेडिक एक्सपेरिमेंट तक, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करते हैं हम लोग। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है? तो मॉडर्न सेल थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड मॉडर्न सेल थ्योरी इज कॉल्ड सेल प्रिंसिपल। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को हम लोग सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स वर कंपोज ऑफ सेल, जितने भी लिविंग बींग्स आज मौजूद हैं वो सभी लिविंग बींग्स जो है वो सेल से बने हैं, ठीक है। कॉम्पोज ऑफ सेल, सेल से बने हैं। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट, जो है सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ का, वो है सेल। सेल जो है लाइफ का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कि सबसे छोटा यूनिट जिसमें लाइफ देखने मिलेगी वो यूनिट है सेल, ठीक है। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग ए न्यूक्लियस। तो हर सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है और हर सेल में न्यूक्लियस देखने मिलता है, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैं न्यूक्लियस क्या होता है बताऊंगा जब सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे हम तब। बस याद रखना यहाँ पे कि हर सेल में प्रोटोप्लाज्म देखने मिलता है, हर सेल में न्यूक्लियस देखने मिलता है और बहुत सी चीज़ें जो सेल में कॉमन होती है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बात यह है कि बहुत से एक्सेप्शन है जिसमें कोई ऐसे बहुत से ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस देखने नहीं मिलता है, तो वो एक्सेप्शन है, बढ़ेंगे आगे। तो बात करते हैं, ए सेल कैन नॉट अराइज डीनोवो। एक सेल जो है डीनोवो अराइज नहीं होता, मतलब कि डीनोवो मतलब अपने आप, एक सेल जो है खुद पर खुद अराइज नहीं होता, पैदा नहीं होता। वो पहले ही लिविंग, पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, कोई लिविंग एग्जिस्टिंग सेल था, उससे नया कोई नया सेल बनेगा। A cell is able to maintain its individuality. A cell have common origin. मतलब all cell have a common origin. तो एक सेल जो है अपने इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखता है, मतलब कि एक सेल जो हमेशा एक ही रहेगा, वो दो तीन चार पाँच ऐसा नहीं होगा। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल। तो एक सेल अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। और हर सेल, जो जितना भी सेल आज मौजूद है, वो सभी सेल का ओरिजिन जो है कॉमन था। मतलब कि सबसे पहले जब कोई सेल बना होगा तो वही सेल डिवाइड किया होगा, उससे नया सेल बना होगा, फिर उस सेल से नया सेल बना होगा, ठीक है। सबसे पहले कोई सेल लगा, उससे नया सेल बना, फिर वो सेल डिवाइड किया, उससे कोई दूसरा तीसरा सेल बना, चौथा बना सेल बना, ऐसे करके पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। फिर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हुआ, नया ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, फिर उन्हें ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ, तो बहुत तरह की वेराइटी आ गई। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितना भी सेल आज मौजूद है, वो सबसे पहले एक कॉमन सेल था और वो कॉमन सेल डिवाइड किया, तो आज हम लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो ऑल सेल हैव ए कॉमन ओरिजिन। बेसिकली सेल्स आर टोटिपोटेंट अनलेस एंड अंटिल दे आर स्पेशलाइज्ड। तो कोई भी सेल जो होता है वो टोटिपोटेंट होता है, मतलब कि एक सेल है वो, और उस सेल के पास ऐसी एबिलिटी, ऐसा खासियत है कि वो सेल डिवाइड करके पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकता है, ऐसे सेल को कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। मतलब सेल जो कि डिवाइड होकर के एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता, ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो सकता है, उस सेल को कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। इस और सेल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टोटिपोटेंट सेल, ठीक है। तो ए सेल कॉन्टेन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो एक सेल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होता है कि सेल को कितने बार डिवाइड करना है, क्या करना है, सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है, वो सब काम का इंफॉर्मेशन जो है, वो सब इंफॉर्मेशन सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो डीएनए
तो डीएनए को ही हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। सेल थ्योरी हैविंग मेनी एक्सेप्शन, तो सेल थ्योरी में बहुत से एक्सेप्शन हम लोग उसकी बात करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू सेल एंड इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज इन म्यूकर एंड राइजोपस फंजाई। तो कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ऐसे हैं जिनका बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड नहीं है सेल में, कुछ 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 ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जिनका बॉडी जो है सेल के फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनके अंदर और उनके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, एक दो न्यूक्लियस नहीं बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। वो ऑर्गेनिज्म है म्यूकर, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म है म्यूकर और राइजोपस, राइजोपस फंजाई, ठीक है। तो राइजोपस फंजाई और म्यूकर का जो बॉडी जो है वो सेल के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। वायरस डू नॉट शो सेल स्ट्रक्चर, वायरस जो है सेल स्ट्रक्चर नहीं शो करते हैं, बट दे शो सम लिविंग प्रॉपर्टीज। तो वायरस भी एक एक्सेप्शन है बहुत। तो मेन एक्सेप्शन की बात करें, बिगेस्ट एक्सेप्शन जो है सेल थ्योरी का वो है वायरस, ठीक है। वायरस जो है सेल का जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, सेल प्रॉपर्टी सेल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है वायरस, लेकिन उसके बाद भी वायरस जो है लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। देर आर मेनी सेल विच डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, तो वहाँ बहुत से सेल है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जैसे कि प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स वैसा सेल है जिन जैसे सेल जिस सेल में न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और सेलुलर ऑर्गेनली सेलर और सेलुलर ऑर्गेनली नहीं होता जिस सेल में, और जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उस सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। मैमेलियन आरबीसी सीव ट्यूब सेल्स आर लिविंग सेल विच आर विदाउट न्यूक्लिया। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मैमेलियन आरबीसी मतलब कि हम मैमल का जो आरबीसी है और मैमल का जो सीव ट्यूब, मैमल का आरबीसी और सीव ट्यूब सेल प्लांट में होता है सीव ट्यूब सेल। मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, और प्लांट का जो सीव ट्यूब सेल है उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी लिविंग सेल नहीं होता। और सीव ट्यूब सेल कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। फ्लोएम जो है प्लांट फूड कंडक्टिंग पाइप होता है। वायरस आर बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी का जो बिगेस्ट एक्सेप्शन है वो है वायरस, ठीक है। इवोल्व्ड ऑर्गेनिज्म कैन शो इवन दोज एक्टिविटी विच आर नॉट इवन फाउंड इन सेल, एग्जाम्पल मैन कैन सी बट सेल कैन नॉट सी, मैन कैन स्पीक बट सेल कैन नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और ये उठता है कि एक जो बहुत सारा सेल मिल करके एक ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेती है, और फिर वो ऑर्गेनिज्म ऐसी प्रॉपर्टीज शो कर लेता है जो एक सिंगल सेल कभी नहीं शो करती। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, मैन देख सकता है लेकिन एक सेल कभी देख नहीं सकती। मैन जो है बोल सकता है, हम लोग बोल सकते हैं लेकिन एक सेल जो कभी बोल नहीं सकती, ठीक है। कॉमन फीचर ऑफ सेल्स, तो सेल के अंदर जो कॉमन फीचर क्या, कोई भी सेल हो कैसे भी सेल हो उसके अंदर ये जो फीचर दिखाई दे रहे हैं ये सारे फीचर देखने मिलेंगे, चाहे कोई सी भी सेल हो। अगर वो सेल है तो एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हम। तो हर सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, हर सेल में जेनेटिक कोड होता है, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेथड सेम मेथड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट करना मतलब डीएनए का कॉपी, डीएनए को डिवाइड, डीएनए का नया कॉपी तैयार करना उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए का कॉपी तैयार होना रेप्लिकेशन कहते हैं। हर सेल में डीएनए रेप्लिकेशन का, डीएनए की कॉपी तैयार होने का एक ही सेम मेथड होता है। हर सेल जो जेनेटिक कंटिन्यूटी शो करता है, ठीक, जेनेटिक कंटिन्यूटी मतलब कि कोई एक सेल है वो रिप्रोड्यूस किया, नया सेल आया तो वो सेल के अंदर पहले वाले सेल की कुछ प्रॉपर्टी देखने मिलेगी, ठीक है। ये सब बात है जेनेटिक कंटिन्यूटी मतलब कि प्रीवियस वाले सेल में जो जीन्स था वो आगे वाले सेल में देखने मिलेगा, जो आगे नया सेल बनेगा उस सेल से उसको कहते हैं जेनेटिक कंटिन्यूटी। सेम मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, सभी सेल का एरोबिक रेस्पायरेशन, सभी सेल में एरोबिक रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म एक जैसा होता है। और जेनेटिक मटेरियल, और सभी सेल में जेनेटिक मटेरियल एक ही होता है, डीएनए सभी सेल में होता है, सभी सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग टोटिपोटेंसी की। टोटिपोटेंसी मैंने बताया कि सेल की वैसी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से सेल जो है डिवाइड करके पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकता है, एक नया ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो सकता है। तो द एबिलिटी ऑफ द सोमैटिक सेल टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। टोटिपोटेंसी जो है सोमैटिक सेल की वैसी एबिलिटी कहते हैं कि सोमैटिक सेल पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकती है। तो सोमैटिक सेल क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव सेल, जो सेल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती है, रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जितने भी सेल होती है बॉडी में, सभी सेल का हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं, चाहे प्लांट में हो या एनिमल में हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम इट वॉज स्टेटेड बाई हेबल इन 1902। तो पहली बार टोटिपोटेंसी के बारे में बताया था एक साइंटिस्ट ने, हेबरलैंड ने। ठीक है, इसने हेबरलैंड जो है जर्मन बोटेनिस्ट है, हेबरलैंड ने टोटिपोटेंसी के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था। ठीक है, इन प्लांट सेल टोटिपोटेंसी कैन बी इजली डेमोन्स्ट्रेटेड। तो प्लांट सेल में टोटिपोटेंसी आसानी से देखी जा सकती है, आसानी से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, प्लांट सेल में टोटिपोटेंसी डिफाइन कर दिखा सकते हैं। आफ्टर हेबरलैंड के बाद टोटिपोटेंसी एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाई स्टेवर्ड। तो हेबरलैंड के बाद टोटिपोटेंसी को एक्सपेरिमेंटली दिखाया किसने? स्टेवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने टोटिपोटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट किया हेबरलैंड साइंटिस्ट के बाद। तो स्टेवर्ड ने शो किया टोटिपोटेंसी इन द सेल ऑफ कैरोट। तो कैरोट के सेल से हेबरलैंड ने टोटिपोटेंसी को शो किया। तो टोटिपोटेंसी हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में टोटिपोटेंसी यूज कर सकते हैं, मतलब एक सेल लेंगे और उस सेल को, वो सेल जो क्या होगी डिवाइड होके नया टिश्यू तैयार कर लेगी, उसे कहेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू बनना टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो एक सेल से एक टिश्यू तैयार कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कर सकते हैं टोटिपोटेंसी। फिर आता है माइक्रो प्रोपेगेशन, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, और एक वायरस फ्री प्लांट भी हम लोग तैयार कर सकते हैं टोटिपोटेंसी से। ठीक है, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन, और हम लोग आर्टिफिशियली सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं टोटिपोटेंसी की मदद से। तो एक सेल लेंगे, उस सेल को टोटिपोटेंसी में सेल डिवाइड होकर के एक पूरे सीड में कन्वर्ट हो सकती है। तो आर्टिफिशियली हम लोग सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं टोटिपोटेंसी की मदद से। कल्टिवेशन ऑफ रेयर प्लांट बाय टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टिश्यू कल्चर करके, सेल से टिश्यू कल्चर करेंगे और फिर टिश्यू कल्चर की मदद से हम लोग वैसे प्लांट को कल्टिवेट कर सकते हैं जो प्लांट बहुत रेयर दिखने मिलते हैं। ठीक है, बहुत रेयर केस में जो प्लांट देखने मिलते हैं उस प्लांट को भी हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं। और टोटिपोटेंसी की मदद से जो भी नया ऑर्गेनिज्म, जो भी नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा एक दूसरे का के जैसा क्लोन होगा, मतलब कि एक सेल है, ये सेल है जिसके बाद टोटिपोटेंसी की एबिलिटी है, और एक और सेल है इसके बाद टोटिपोटेंसी की एबिलिटी है, मतलब एक टिश्यू का ग्रुप है उसमें हर सेल के पास टोटिपोटेंसी की एबिलिटी है। इसमें से एक सेल लेंगे इस यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ये सेल जब डिवाइड करेगा आगे चल करके, ये सेल भी ऐसे बहुत सारा सेल बन जाएगा, फिर ये नया और ये सेल डिवाइड करके पूरा ऑर्गेनिज तैयार करेगा, फिर ये सेल भी नया ऑर्गेनिज तैयार करेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज तैयार होगा और यहाँ पे वो दोनों बिल्कुल एक जैसा होगा, तो दो ऑर्गेनिज्म जो डिट्टो देखने में एकदम सेम टू सेम है, वो ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम लोग क्लोन, उसी में क्लोनिंग कहते, और क्लोन तैयार करने को कहते हैं क्लोनिंग। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना मेजरमेंट के यूनिट को, याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर होता है 10^-2 मीटर के, 1 मिलीमीटर बराबर होता है, इक्वल होता है 10^-3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 10^-6 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10^-9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10^-10 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे सेल का साइज हम लोग पढ़ेंगे सेल तो उसमें काम आएगा।
The microscope used for seeing living cell or tissue is a phase contrast microscope. तो माइक्रोस्कोप, जिस माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं लिविंग सेल को देखने के लिए या लिविंग टिश्यू को देखने के लिए, वो माइक्रोस्कोप है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। याद रखिएगा, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं हम लोग लिविंग सेल को देखने में। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसा होता है, उतना जाने जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कैसा होता है। बस याद रखिए कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं हम लोग लिविंग सेल को देखने के में देखने के लिए। तो नॉल एंड रस्का इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था दो साइंटिस्ट ने मिल करके, जिनका नाम है नॉल और एक है रस्का। नॉल एंड रस्का दोनों ने मिल करके इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा सेल, जो सेल सबसे छोटी सेल है, माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। इसका साइज होता है 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर के बीच होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोले तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माइक्रोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर। मैं एनसीईआरटी का भी लाइन बैकग्राउंड में दिखाऊंगा पूरा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना कि एनसीईआरटी नहीं आ रही, पूरा 110% एनसीईआरटी कवर होगी, ठीक है। Another name, तो माइक्रोप्लाज्मा का जो एक और नाम है, और भी नाम है जिसको कह सकते हैं, PPLO शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म बोले तो प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी हम लोग कह सकते हैं माइक्रोप्लाज्मा को, ठीक है। एनसीईआरटी में एक जगह पर गलत दिया हुआ है, इसी चैप्टर में सेलोरिनो लाइफ में दिया हुआ कि ऑर्गेनिज्म का कॉमा करके दिया हुआ है, लिखा हुआ है माइक्रोप्लाज्मा फिर कॉमा करके दिया हुआ PPLO, तो वहाँ पे कॉमा नहीं है, वहाँ पे हाइफ़न होना चाहिए। तो माइक्रोप्लाज्मा को ही हम लोग कहते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है एक लिविंग सेल है, वो खुद से इटसेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकता है, इंडिपेंडेंटली रहता है, मतलब किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं, वो किसी चीज़ का डिपेंडेंट नहीं है जिंदा रहने के लिए। माइक्रोप्लाज्मा असल में एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा, और ये सबसे छोटा सेल है माइक्रोप्लाज्मा। सेल वॉल एब्सेंट और प्रोकैरियोटिक। तो माइक्रोप्लाज्मा सेल में क्या होता है कि सेल वॉल मौजूद नहीं है, सेल वॉल नहीं होता है, माइक्रोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, बहुत अच्छा से आगे। तो यही है, ये माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहा है, यही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था नॉल और रस्का ने। और ये है माइक्रोप्लाज्मा, ये है माइक्रोप्लाज्मा, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये माइक्रोप्लाज्मा। अब बात करते हैं सबसे छोटा बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। सबसे छोटा सेल जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है, लेकिन सबसे छोटा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल मौजूद है उसकी बात करें हम लोग, तो वो है डाइलिस्टर नेमोसिंटेस, ठीक है। डाइलिस्टर नेमोसिंटेस जो है सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा है, उसके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल के साथ सबसे छोटा जो अगर कोई है तो वो होता है डाइलिस्टर नेमोसिंटेस। अगर क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट सेल तो माइक्रोप्लाज्मा लगाना है, स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल तो वो लगाना है डाइलिस्टर नेमोसिंटेस, ठीक है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट एसेटा बुलेरिया। तो एसेटा बुलेरिया जो है सबसे बड़ा यूनिसेलुलर प्लांट, मतलब कि एक प्लांट जो कि एक सिंगल सेल से बना है, यूनिसेलुलर प्लांट है एसेटा बुलेरिया का। प्लांट जो कि सिंगल सेल से बना है वो है एसेटा बुलेरिया, ठीक है। आते हैं लार्जेस्ट सेल इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा सेल अगर कोई है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है एनिमल किंगडम में। तो ऑस्ट्रिच के एग का जो सेल है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है पूरे एनिमल किंगडम में। और एक बात ये याद रखिएगा कि एसेटा बुलेरिया जो असल में ग्रीन अलगी है, क्या है, ग्रीन अलगी।
और ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो है फीमेल एग सेल। फीमेल में फीमेल का जो एग सेल, फीमेल एग सेल जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, और ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है मेल स्पर्म। ठीक है, मेल स्पर्म जो है इज द स्मॉलेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है, वो है लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में एक्स फीमेल एग सेल। बात करते हैं मोटर न्यूरॉन की। मोटर न्यूरॉन नर्व सेल, नर्व सेल को ही हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल को हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लेंथ 4.5 फीट। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल अगर कोई है तो वो है मोटर न्यूरॉन नर्व सेल। तो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी, लार्जेस्ट सेल कौन सी है। ठीक है, क्लियर रखिएगा कौन लॉन्गेस्ट कौन लार्जेस्ट। तो मोटर न्यूरॉन जो है लोअर स्पाइनल कॉर्ड टू द बिग टो। तो मोटर न्यूरॉन जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ पे, ये बैक में स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड का सबसे नीचा वाला जो हिस्सा है वहाँ से लेकर के हमारा जो अंगूठा है पैर का, वहाँ तक मोटर न्यूरॉन की होता है, वहाँ तक होते ही मोटर न्यूरॉन होता है, मतलब उतना लंबा है मोटर न्यूरॉन। तो लोअर स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के बिग टो तक, बड़े अंगूठा तक। इट कैरी इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी मसल्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या करता है कि वो इम्पल्स को, मतलब कि मोटर न्यूरॉन इम्पल्स को कैरी करता है स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के हमारे बॉडी मसल तक। मोटर न्यूरॉन इम्पल्स कैरी करता है हमारा लोअर स्पाइनल कॉर्ड से लेकर मसल्स तक, बॉडी मसल्स। ह्यूमन एग इज द लार्जेस्ट, ह्यूमन एग इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, नॉट द लॉन्गेस्ट। याद रखिएगा ह्यूमन एग सेल जो है फीमेल में जो देखने मिलता है वो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल नहीं है। लार्जेस्ट एनिमल सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, एसेटा बुलेरिया जो है वो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट मतलब सिंगल सेलुलर प्लांट जो कि सबसे बड़ा प्लांट वो है एसेटा बुलेरिया। ठीक है, और एसेटा बुलेरिया जो एक सिंगल सेल ग्रीन अल्गी है। एसेटा बुलेरिया का साइज है 9 से 14 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। एसेटा बुलेरिया जो है वो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, एसेटा बुलेरिया का जो साइज है 9 से 14 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल, सबसे लंबी एनिमल सेल जो है वो है नर्व सेल, इसका साइज जो है 90 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ये है एसेटा बुलेरिया, खाई दे रहा आपको ये एसेटा बुलेरिया। देख सकते हैं ये एसेटा बुलेरिया पूरा ग्रुप है बहुत सारा समुंदर के अंदर, खाई दे रहा है। ये एक यूनिसेलुलर प्लांट, एक सिंगल सेल से बना हुआ प्लांट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, सबसे लंबा प्लांट सेल का नाम है फाइबर ऑफ रेमी, जो कि लगभग 55 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो फाइबर ऑफ रेमी सबसे लंबा प्लांट सेल जो कि पाया जाता है बोहिमेरिया निविया में। तो बोहिमेरिया निविया प्लांट के अंदर पाया जाता है सबसे लंबा प्लांट सेल फाइबर ऑफ रेमी। तो ये प्लांट की फैमिली का नाम है यूटिकेसी फैमिली को बिलोंग करता है बोहिमेरिया निविया। ठीक है, स्पाइरुलम वोलुंटन्स लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। तो स्पाइरुलम वोलुंटन्स जो है सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, सबसे लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो है स्पाइरुलम वोलुंटन्स जो का साइज, जिसका साइज लगभग 15 माइक्रोमीटर का होता है।
और ह्यूमन आरबीसी का जो साइज है वो होता है 7.5 माइक्रोमीटर, और ठीक है साइज जो ह्यूमन आरबीसी 7.5 माइक्रोमीटर का होता है, और डायमीटर की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी का साइज जो होता है 7 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर का होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर के लिए। लेक्चर 1 का पार्ट बी है, अगर पार्ट बी डायरेक्ट आप देख रहे हैं तो लेक्चर 1 का पार्ट ए पहले देख लें फिर ये देखिए। तो वेबसाइट का लिंक मैंने दिया दे रखा है लिंक में भी, और पीछे देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड में, जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, डेली प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, इस क्वेश्चन इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हो डेली प्रैक्टिस शीट डाल के मैंने वहाँ पर वेबसाइट पर डाल दिया है, उसको सॉल्व कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना। और कंप्लीट वाली कोर्स तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।